फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए 24 मॉडल पिछले 15 दिन से जी तोड़ मेहनत कर वेदांत और राजेंद्र कोलकर ग्रुप द्वारा आयोजित किंग एंड क्वीन ब्यूटी पेजेंट 2017 20 दिसंबर को वाशी के सिडको ऑडिटोरियम में ग्रैंड फिनाले संपन्न हुआ। सभी मॉडल्स ने अपने जलवों से ग्रैंड फिनाले में 4 चांद लगा दिए।
पहुंचो। क्वीन 2017 की विजेता क्वीन हर्षा कंधारी और किंग सागर कंसे रहे। I have the list of the consolation prizes to be given away and that is Tamal is going to take care kisko de rahe hai kiske haath mein, right? All right, Mr. Prince Wagela to please come forward to receive the consolation prize. Bhai ye final nahi hai, ha ye sirf certificates de rahe. All right, this is not the finale. Putting your heart over everything. Supernova, just let me come over and give you just what you need. Hold on to this moment, there's no disappointment as long as we're living free. फिनाले की शोभा बढ़ाते हुए महापौर कविता चौटमल और सीनियर बीजेपी लीडर रामशेठ ठाकुर, गत नेता परेश ठाकुर, नगर सेवक जगदीश गायकवाड़, नगर सेविका विद्या गायकवाड़ और अन्य हस्तियां भी शामिल थे। नवी मुंबई आवाज से बात करते हुए आयोजकों ने कार्यक्रम की सफलता के बारे में अधिक जानकारी दी। At last we have done with our show, which is King and Queen 2017 Season 3. Now the winner is Miss Harsha Kandhari and Sagar Kansi. I wish them all the best and grow well and grow the world as well over there. Thank you so much. King and Queen का फिनाले हो चुका है, जैसे तमल ने बताया, हर्षल और सागर विन हो चुके हैं और इसका टफ इतना था कि पूरे क्राउड और सब जजेस के ऊपर मतलब इनका जजमेंट निकालना बहुत भारी था। तभी भी आज बहुत खुशी का माहौल है कि एज ए ऑर्गेनाइज़र में जो अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों को दिया और उसमें से उनको उनके जो टैलेंट दिखा के उन आज जो विनर बने उनको मेरा फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक है। और ये जो शो हो रहा है किंग एंड क्वीन बहुत ही अच्छा हो रहा है और यहाँ के जितने भी पार्टिसिपेट हैं उनका सबका मेकअप मैं और मेरी टीम ने डन किया हुआ है, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा है और लाइव चल रहा है, अंदर लाइव चल रहा है, आप देख सकते हो और नेक्स्ट ईयर के लिए आप सब रेडी हो जाओ। ठीक है, थैंक यू मैम। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश राठौड़ के साथ रश्मिता शाहू की रिपोर्ट।